को समझो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो समीकरण तुमको दे रहा है, एस माइनस टी बराबर थ्री, और दूसरा है एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू बराबर सिक्स। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला कि जैसे वैसे सॉल्व, जैसे इसमें देखो कोई भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं है, नहीं ना है, इसमें फ्रैक्शन में नंबर है, तो इसको अगर इजी वे में सॉल्व करना है तो पहले इसका फ्रैक्शन को तुम हटा सकते हो, भिन्न का जोड़ की तरह दिया हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ तुम चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लो, जैसे तीन और दो का एलसीएम, जैसे इसको इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन टू है ना, तो समीकरण दो से, समीकरण दो में क्या एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू है, टी बाई टू, मेरा खतरनाक टी लूगला, टी बाई टू बराबर क्या सिक्स है ना। यहाँ पे देखो शॉर्ट विधि जो बतला रहे हैं, सबसे पहले इन लोग का एलसीएम ले लो, तीन लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, छह, तीन दुना छह होगा, तीन के बराबर छह दो बार में, मतलब नॉर्मली गुना करके एलसीएम जब आएगा तो उल्टा कर दो, इसको दो से गुना कर दो इसको तीन से, तो हो जाएगा टू एस प्लस से क्या हो जाएगा थ्री टू बराबर सिक्स। अगला स्टेप में इसके वन से पार्ट क्रॉस कर दो, इसको वन से करोगे इधर वाला यही रह जाएगा, यानी हो जाएगा टू एस प्लस थ्री टी, और ये छह जाके कितना हो जाएगा छत्तीस। अब तो आ गया ना, इसको इक्वेशन थ्री मान लो। तो अब देखो फ्रैक्शन वाला नहीं ना नंबर, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमको इक्वेशन इसको लेना है, समीकरण एक से, एक में तुमको देख लो एस माइनस टी बराबर दे रहा है थ्री, अब टी को उधर ले जाओगे तो प्लस में टी हो जाएगा, इधर बच गया एस, इसको मान लो इक्वेशन फोर, क्योंकि यहाँ पे वन टू थ्री है तो इसको क्या मानना पड़ेगा फोर मानना पड़ेगा। अब फोर में जो एस का वैल्यू इसमें से किसी एक में तुमको प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि वन लेकर सॉल्व की हो इसमें तो रखोगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है थ्री में रखना पड़ेगा, तो थ्री में रखो, तो समीकरण समीकरण थ्री में, समीकरण थ्री में क्या एस बराबर थ्री प्लस टी प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब प्रतिस्थापित कर देखो, पहले टू एस है तो टू तो टू रहेगा, गुना में गौर से देखते जाओ, एस बराबर क्या रखना है थ्री प्लस टी, ये टी है याद रखोगे ठीक है, तो यहां पे हम लोग रखे थ्री प्लस ये टी रखे ठीक है, साइन पे ध्यान रखना प्लस मत समझ लेना, और फिर क्या है प्लस थ्री टी है तो प्लस थ्री टी बराबर इधर है 36 ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ो, टू को थ्री से गुना करोगे तो होगा सिक्स, और टू को टी से करोगे तो टू टी, बेचारा टूट गया है ना, टू टी, इधर है हमारा थ्री टी, इधर है 36। अभी देखो सिक्स प्लस ये नंबर वाला है, इसको इधर लाएंगे तो 36 इधर है, माइनस में इधर सिक्स आएगा, इधर टू टी फ्रूटी, अच्छा टू टी और थ्री टी ठीक है, दोनों जुट के क्या हो जाएगा फाइव टी, इधर घटाओगे तो आएगा 30, वाह वाह टी टी है, ये हमारा 5t है, अब ये टी को इधर रखो, 30 को इधर रखो, 5 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, कट के कितना बार में छह बार में, तो टी बराबर क्या आ गया 6, समझ आया। अब जब टी आ गया तो यहाँ पे रख लो, टी आ गया ना, तो देयरफॉर एस बराबर क्या आ जाएगा, देखो एस यहाँ पे क्या थ्री प्लस टी है तो थ्री वही रहेगा, अब प्लस टी की जगह सिक्स रखो तो क्या आएगा 9, हो गया ना, तो देयरफॉर हमारा हो गया एस बराबर आ गया 9 और टी बराबर आ गया 6, यही हो गया तुम्हारा दो हल ठीक है। तो ये था कि जब इसको हम लोग सॉल्व किए, तो तुम चाहते तो डायरेक्ट अगर पहला विधि से अगर बनाना रहता, जैसे पहला क्वेश्चन समझाए थे तो उसमें तुमको पहले ये काम करना रहता और इसको तुमको यहाँ पे रखना रहता, तो एलसीएम यहाँ भी वही करना रहता, थोड़ा सा डीप में जाता लेकिन ऐसे ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा तुम लोग को, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलो पॉइंट वाला क्वेश्चन बताओ।